पॉपुलर एक्ट्रेस मोनी रॉय फाइनली शादी के बंधन में बन चुकी हैं। 27 जनवरी के दिन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंटरप्रीन्योर सूरज नाम्बियार के साथ मोनी रॉय ने साउथ इंडियन रीति रिवाज निभाते हुए बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई। वहीं बीती रात ही बंगाली रीति रिवाज निभाते हुए मोनी और सूरज ने एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए हैं। दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर शाही शादी की तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं मोनी और सूरज को। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं अपनी खुशी को जाहिर करती हुई दिखाई दे रहे हैं न्यूली मैरिड कपल मोनी और सूरज। लेकिन इसी दौरान एक बेहद बड़ी खबर भी आ चुकी है, जहां एक तरफ सभी इंतजार कर रहे थे कि शादी के बाद मुंबई में मोनी रॉय एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी, एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की जाएगी। लेकिन अब खबर आ चुकी है कि ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी कैंसिल हो चुकी है। वजह है कोविड-19। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर अब भी बरकरार है और कोरोना के कहर के चलते मोनी और सूरज ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको, फेमस सिंगर मनमीत सिंह ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि अब मुंबई में कोई भी रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी। मनमीत कहते हैं कि मोनी और सूरज ने पहले सोचा था कि शादी के बाद मुंबई वापस लौटकर ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे, जिसमें इंडस्ट्री के सभी लोग शामिल होंगे। हालांकि अब कोविड की वजह से ये कैंसिल करना पड़ रहा है, अब मुंबई में सब कुछ बैन है, तो ऐसे में रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती है। इस तरह से मोनी ने अपने पति सूरज नाम्बियार के साथ मिलकर ये कड़ा फैसला ले लिया है। कोरोना वायरस महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, और कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर में हाहाकार मचा कर रख दिया, और इस वजह से मोनी और सूरज ने अब ये बड़ा फैसला ले लिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।